हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे किरण खेर की। किरण खेर बॉलीवुड की एक बहुत ही मंझी हुई एक्ट्रेस रही हैं। बहुत सारी यादगार फिल्में उनके नाम हैं, चाहे वो देवदास हो, चाहे वो वीर ज़ारा हो, मैं हूं ना हो, रंग दे बसंती हो, दोस्ताना हो, बहुत सारी फिल्मों में जो है एक पंजाबी मदर के किरदार में वो बहुत पॉपुलर हुई। वहीं देवदास में जो है उनका किरदार बहुत ही यादगार रहा। फिल्म में शाहरुख और ऐश्वर्या और माधुरी जैसे एक्टर्स के होते हुए भी किरण खेर ने अपनी एक खास जगह उस फिल्म में बनाई थी और उनको उनके किरदार के लिए उस फिल्म में बहुत याद किया गया। आपको बताएं कि किरण खेर जो है हमेशा से एक्ट्रेस रहीं। पहले वो चंडीगढ़ में थिएटर किया करती थीं और उसके बाद 80 के शुरुआत में जो है वो बॉलीवुड पहुंची और वहां उन्होंने थिएटर और फिल्मों में काम करना शुरू किया। और उसी दौरान उन्होंने उनकी शादी भी हो गई गौतम बेरी नाम के एक इंडस्ट्री से। उन्हें प्यार हुआ और फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली। आपको बताएं उनका एक बेटा भी हुआ, सिकंदर खेर। इसके बाद जो है 1985 में किरण खेर की मुलाकात हुई अनुपम खेर से। ये दोनों पहले चंडीगढ़ में एक साथ जो है पढ़ा करते थे, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे और वहाँ से जो इनकी दोस्ती हुई थी। लेकिन उस दौरान जो है दोनों ने कभी अपने दिल की बात शायद इतनी कही नहीं थी एक दूसरे से। दोनों की अलग अलग शादी हो गई लेकिन 1985 में इन्हें दोबारा प्यार हुआ और उसके बाद किरण खेर ने अपने पति जो है गौतम बेरी को तलाक दे दिया और इधर अनुपम खेर ने अपनी पत्नी को तलाक दिया और उसके बाद 1985 में इन दोनों ने फिर से शादी कर ली और अनुपम खेर ने जो है किरण खेर के बेटे सिकंदर को जो है अपना नाम दिया। तो निजी लाइफ में देखा जाए तो उनकी अच्छी चल रही थी। क्या दोनों जो हैं मंझे हुए एक्टर हैं। एक तरफ अनुपम खेर फिल्मों में बहुत सारे जो हैं कैरेक्टर रोल्स करते हैं तो वहीं किरण खेर ने भी बहुत सारी यादगार भूमिकाएं की। आपको बताएं इन दिनों जो हैं किरण खेर जो है अपनी बीमारी की वजह से चर्चा में है। वो मल्टीपल मायलोमा की शिकार हो गई जो कि अपनी एक ब्लड कैंसर होता है और पिछले 1-1.5 साल से जो है इस बीमारी की वो चपेट में है। लेकिन इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें जो हैं मीडिया में नहीं आई थी। तो उसी दौरान जो है पंजाब कांग्रेस में ये बात उठने लगी कि चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर आजकल कहाँ है। उस दौरान जो है बीजेपी से जुड़े एक नेता ने इस बात का खुलासा किया था कि किरण खेर जो है इसलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हैं क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित हैं। इस खबर के आते ही जो है कह सकते हैं बहुत सारे जो उनके फैंस हैं वो दुखी हुए और लोग जो है चौंक गए कि किरण खेर जो है इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। और उसके बाद अनुपम खेर ने भी इस बात का खुलासा किया कि ये सच है कि किरण जो है कैंसर से पीड़ित हैं और मुंबई में जो है उनका इलाज चल रहा है और अब किरण खेर की हालत जो है पहले से बेहतर है। कुछ दिन पहले उनके बोन मैरो की सर्जरी हुई और 3 घंटे उनका ऑपरेशन चला और अब वो पहले से बेहतर है, उनकी हालत सुधर रही है और वो जो है कैंसर से फाइट कर रही हैं। कुछ दिन पहले उनके बेटे ने भी उनका एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो नज़र आई थी और उनके फैंस को वीडियो देखकर अच्छा लगा था। उससे पहले वो वैक्सीनेशन के लिए गई थी और वहाँ बहुत दिनों बाद उनकी झलक जो है फैंस को दिखी थी। तो फिलहाल किरण खेर बीमार हैं। उनके तमाम फैंस जो हैं ये दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सही हो जाएं। आपको बताएं कि 14 जून 1955 को चंडीगढ़ में उनका जन्म हुआ था और किरण की जो उम्र है 66 इयर्स की है और इस दौरान इस पूरे लंबे समय में अपनी एक्टिंग के लिए बहुत जानी गई। बहुत सारी हिट फिल्मों का वो हिस्सा रही हैं और टीवी का एक रियलिटी शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वो शो जो है फिर से आ रहा है और लोग जो हैं तमाम उनके फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि अभी किरण खेर बीमार हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो इस शो का हिस्सा नहीं बनेगी, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद उस शो के बहाने जो है उनके तमाम फैंस चाह रहे हैं कि क्या किरण जो है इस शो में आएंगी। ये बिल्कुल तय है कि वो फिलहाल उनके वो अपने हेल्थ पर ध्यान देंगी और उनकी जगह जो है उस शो में कोई और जज लेगा। खैर किरण के तमाम फैंस जो है उनके बर्थडे पर उनको याद कर रहे हैं और उनको जो है जल्द जो है कैंसर जैसी बीमारी को मात वो देकर और उनकी आयु लंबी हो, वो स्वस्थ हो और इसकी वो जो है दुआ कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।